नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके टाइम न्यूज और मैं हूं कमल चाड़क। आज की बात करें तो आज जिला डोडा में एक खबर सामने आई है जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट जिला डोडा की तरफ से आज एक अवेयरनेस कैंप जो है ब्लॉक खलेनी में जो है ऑर्गेनाइज किया गया। मैं आपको बता दें ये कैंप आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के रिलेटेड ये कैंप लगाया गया, जिसमें जो है पिछले 2020 की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है फ्री राशन जो है बेनिफिशरीज को दिया जा रहा था और वो मार्च तक ही वो फ्री राशन जो है वितरण करना था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और सितंबर 2022 तक जो है एक बार फिर से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से ये बात सामने आई है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि फिर से जो है सितंबर 2022 तक जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया और वो बेनिफिशरीज को जो है ये फ्री राशन फिर से मिलेगा। और जिला डोडा में ये कैंप जो है आज ऑर्गेनाइज किया गया। मैं आपको बता दें इसके चीफ गेस्ट DDC चेयरपर्सन धनंतर सिंह उपस्थित थे और उन्होंने भी पब्लिक को संबोधित किया। और आपको बता दें इस मौके पे PRI's मेंबर BDC चेयरपर्सन खलेनी से और भी वहाँ पे जो बेनिफिशरीज थे वो सब उपस्थित थे और उनको जो है इस स्कीम के बारे में बताया गया। और आपको बता दें AD फूड द्वारा राहुल शर्मा जी द्वारा जो है ये भी जानकारी दी गई कि लगातार जो है ऐसे कैंप जो है आगे भी जिला डोडा में देखने को मिलेंगे और बेनिफिशरीज को जो है डिटेल में ये जानकारी दी जाएगी कि क्या क्या स्कीमें गवर्नमेंट द्वारा जो है सामने आ रही हैं और क्या उनके बेनिफिट्स पहुंच पा रहे हैं या नहीं। दूसरा आपको बता दें DDC चेयरपर्सन धनंतर सिंह कोतवाल जी ने भी AD फूड और जो है डिपार्टमेंट को कंसर्न डिपार्टमेंट को जो है बधाई दी और उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से ये विभाग काम कर रहा है ग्राउंड पे वो एक सराहनीय योग्य है और इसी तरीके से जो है ये विभाग जो है आगे भी कार्य करता रहे। देखिए जेके टाइम्स की खास रिपोर्ट। आज हम इस पंचायत में खलेनी पंचायत जिसका नाम है उसमें यहाँ पर आए हुए थे। मेरे साथ यहाँ के BDC के चेयरमैन हैं, हमारे यहाँ के सरपंच साहब हैं, हमारे AD फूड यहाँ पे हैं, यहाँ के गणमान्य लोग जो हैं, हम सब लोगों ने आज बैठकर यहाँ का जो डीलर है उससे ये जानने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो फ्री राशन पिछले 15 महीनों से सरकार ने दिया है और 6 महीने के लिए और इसको बढ़ाया गया है, ये वाकया ही ग्राउंड स्तर तक हमारे लोगों को पहुंचता है कि नहीं, गरीबों तक ये राशन की जो सुविधा है वो पहुंच रही है कि नहीं। उसके साथ साथ इनको ऑनलाइन किया गया है उसमें भी कहीं पर पारदर्शिता आई है कि नहीं, तो वो सारी चीज़ों को लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए ये सरकार की स्कीमें जो हैं वो लोगों तक पहुँचे उनको यहाँ पर आज डिस्कस किया गया और लोगों को बताया गया कि ये वाली स्कीमें जो हैं सरकार की, इसके अलावा और बहुत सारी स्कीमें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं जो सरकार की तरफ से बेनिफिट्स जो है लोगों को मिल रहे हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए थे और एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। आज का जो प्रोग्राम था ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ PMGKY स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस स्कीम के तहत हर बेनिफिशियरी को हमारे जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड हैं और अंत्योदय अन्न योजना जो कार्ड होल्डर्स हैं इनको 5 किलो जो राशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा।
इस स्कीम की शुरुआत जो है वो कोविड जब कोविड शुरू हुआ तो बेनिफिशरीज तक जो ये स्कीम पहुंचाएगी वो अप्रैल ऑनवर्ड अप्रैल 2020 से पहुंचाएगी। इस स्कीम में तब से हम जितने भी हमारे जो बेनिफिशरीज हैं उसमें कवर्ड हैं उनको तब से अभी तक हम राशन देते आ रहे हैं और अभी इसकी जो एक्सटेंशन है वो अप्रैल से बढ़ा अप्रैल से लेके सितंबर 2022 तक कर दी गई।